नमस्कार साथियों, मैं दीपंकर समझदार, चार्टर्ड अकाउंटेंट, आपका दोस्त और बिजनेस ग्रोथ एसोसिएट एक बार फिर आ गया हूँ नए साल में कुछ ऐसे कंसेप्ट जो कि हम कैरी करके आ रहे थे। निधि कंपनी और माइक्रो फाइनेंस कंपनी, ये दोनों कैसे काम करते हैं और इसके बीच के कुछ तार हैं जो क्लियर नहीं है, कंसेप्ट जो क्लियर नहीं है, मैं उसको क्लियर करना चाहता हूँ। आखिरी तक वीडियो देखिएगा तो कंसेप्ट क्लियर होगा। और एक और चीज़ बता दूँ, ये माइक्रो फाइनेंस कंपनी के बारे में जब तक पता नहीं रहेगा तब तक निधि ऑपरेट कोई कर रहा होगा तो इससे कंफ्यूज हो जाएगा। और सिर्फ माइक्रो फाइनेंस ऑपरेट करना है तो भी ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो बताना शुरू करता हूँ। माइक्रो फाइनेंस कंपनी दो तरीके की हो सकती है, एक जिसने आरबीआई से रजिस्ट्रेशन लिया हो, दूसरा जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने जिसको लाइसेंस दिया होगा। आरबीआई से रजिस्ट्रेशन अगर लिया हुआ है तो वो माइक्रो फाइनेंस कंपनी फॉर प्रॉफिट कंपनी है। फॉर एग्जांपल बंधन माइक्रो फाइनेंस जो आज के डेट में बैंक बन गया, एसएफ माइक्रो फाइनेंस जो आज के डेट में बैंक बन गया, एयू माइक्रो फाइनेंस, ऐसे काफी सारे माइक्रो फाइनेंस कंपनीज हैं जो आज के दिन में बैंक बन गए। तो माइक्रो फाइनेंस कंपनी मैं जो बता रहा हूँ वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से रजिस्टर्ड थे फॉर प्रॉफिट, मतलब लाभ कमाने के लिए वो कंपनियां थी। अब मैं बता दूं, एक स्पेशल सेक्शन होता है सेक्शन 25 जो कि 1956 कंपनीज एक्ट में हुआ करता था, अब वही कंपनीज एक्ट 2013 जब से हो गया तो उसका नाम हो गया सेक्शन 8 कंपनी। एक बार फिर से, सेक्शन 25 कंपनी हुआ करता था पहले, अब उसका नाम हो गया सेक्शन 8 कंपनी। ये भी इस सेक्शन की कंपनी के तहत भी माइक्रो फाइनेंस कंपनी काम कर सकती है। ये विशेष लाइसेंस है जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट देता है, सेंट्रल गवर्नमेंट लाइसेंस देती है पहले, उसके बाद ही कंपनी रजिस्टर्ड होती है। तो ये प्रोसीजर स्पेशली बनाया गया था सेक्शन 8 कंपनी जो कि पहले 25 सेक्शन 25 हुआ करता था, इसका ऐसे सेक्शन बनाने का गवर्नमेंट का उद्देश्य ये था कि जो फॉर प्रॉफिट काम नहीं कर रहे हैं, मीन्स ये नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है लेकिन उसको कॉरपोरेट स्ट्रक्चर देने की जरूरत है या ऐसी फैसिलिटी दी जाए, उनके लिए यह है। मैं बहुत बड़ा एग्जांपल दे रहा हूं, मैं खुद उसका अंश हूं। ऐसे सेक्शन 25 कंपनी जो कि अब सेक्शन 8 कंपनी है, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया जिसका मैं एक फेलो मेंबर हूं, तो मैं गर्व से कह सकता हूं कि हमारी इंस्टीट्यूट भी सेक्शन 25 कंपनी है, इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया, ऐसे जो हमारे देश के प्रीमियर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है ये सेक्शन 25 के अंतर्गत आते हैं। सेक्शन 25 जो पहले हुआ करता था अब सेक्शन 8 कंपनी है, इसके अंदर में एजुकेशन, सोशल सर्विसेज और ऐसे काफी सारे ऐसे मुद्दे हैं जिस पे काम किया जा सकता है, जिसके लिए स्पेशल लाइसेंस दिया जाता है, उसमें से एक माइक्रो फाइनेंस भी है। तो ये जो माइक्रो फाइनेंस कंपनी होता है उसमें फिर से बता दूं, गवर्नमेंट सबसे पहले लाइसेंस देती है, लाइसेंस में टर्म्स लिखा रहता है कि क्या क्या आपको करना है, क्या नहीं कर सकते, एटलीस्ट डोंट्स तो लिखा हुआ रहता है। उसके बाद उस लाइसेंस को लेकर हमको मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर में जाना पड़ता है, जाकर तब हम रजिस्ट्रेशन फाइलिंग करते हैं, तब जाकर अप्रूवल आता है। दोस्तों सेक्शन 8 कंपनी के जो कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, इसके फायदे भी बता रहा हूं, इसके कुछ नियम भी बता रहा हूं, इंपॉर्टेंट नियम और पिन पॉइंट नियम मैं अगले वीडियो में बताऊंगा क्योंकि अदरवाइज वीडियो काफी लंबा हो जाता है। मैं आपको बता दूं फिर से, ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, दूसरा ये कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर है, मींस कंपनी है, तो जो भी काम करेंगे वो ट्रांसपेरेंसी रहेगी क्योंकि ऐसे कंपनी को सेंट्रल गवर्नमेंट ने लाइसेंस दिया है, तो वो क्या कर रही है ये साधारण पब्लिक को भी पता रहना चाहिए, इसीलिए मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर ने और गवर्नमेंट ने मिलकर ये वाली संभावनाएं निकाली थी। तीसरा चीज ये कि इसमें शेयर कैपिटल भी हो सकता है और मेंबरशिप से भी लिमिटेड हो सकता है, मींस आप अब हम लोग शेयर कैपिटल से भी हमारी लाइबिलिटी को लिमिटेड कर सकते हैं या फिर मेंबरशिप से भी अपनी लाइबिलिटी को लिमिटेड कर सकते हैं। चौथा चीज, यहां पर आपको लोन जो भी देना है उसके अगेंस्ट में नो सिक्योरिटी, कोई सिक्योरिटी लेने का अधिकार नहीं है, तो लोन के अगेंस्ट में कोई भी सिक्योरिटी नहीं ले सकते हैं। उसके बाद जो लोन अमाउंट देने का अधिकार है वो भी, उसका भी एक लिमिटेशन है कि भाई एक बार में 30,000 के अंदर, दूसरे बार में 50,000 के अंदर या 1,00,000 रुपए के अंदर, ये अलग अलग लिमिट्स हैं जिसके बारे में मैं अगले वीडियो में बात करूंगा। इसका मतलब एक अमाउंट से ज्यादा हम लोग दे नहीं सकते, ध्यान रखिएगा।
इतना चीज हमारे सेक्शन 8 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं एक और चीज बता दूं जहां पे बहुत बड़ा कंफ्यूजन है, सेक्शन 8 में आप पब्लिक से पैसा नहीं ले सकते हैं सर, कहीं से भी पैसा नहीं ले सकते हैं पब्लिक से। आपको सेक्शन 8 कंपनी अगर चलाना है तो उसके लिए मैं उपाय बताता हूं, आपको शेयर कैपिटल अरेंज करना पड़ेगा। शेयर कैपिटल को ही आप यूज कर सकते हैं लोन बांटने के लिए। माइक्रो फाइनेंस का मतलब ही होता है छोटे छोटे लोन। महिलाओं के ग्रुप को आप लोन दे सकते हैं, या फिर छोटे छोटे व्यापारी को छोटे छोटे लोन दे सकते हैं। उसके लिए भी एक और, जैसे आपका बैंक में सिबिल होता है ना, उसी तरीके से यहां पर भी ऑर्गेनाइजेशन होते हैं जिसको CIC बोलते हैं, कस्टमर इंफॉर्मेशन कंपनी। जो सिबिल है वो भी एक कंपनी है जिसको CIC मीन्स कस्टमर इंफॉर्मेशन कंपनी का एक नाम है सिबिल, जो कि बैंक को सर्विस प्रोवाइड करती है, देखती है कि कौन लोन में डिफॉल्ट कर रहा है या फिर किसके चेक बाउंस है, कब ओवरड्यू हो गया। उसी तरीके से हमारे माइक्रो फाइनेंस में भी CIC कंपनीज होती हैं। ये जितने भी CIC कंपनीज है ना, ये RBI में रजिस्टर्ड होते हैं, राइट। उनके द्वारा अधिकार मिलने के बाद ही वो ऐसी सेवाएं प्रदान कर पाते हैं और इसको डिस्ट्रीब्यूट कर पाते हैं। तो एक बार फिर से, माइक्रो फाइनेंस में भी CIC काम करते हैं। जैसे इक्विफैक्स एक CIC है, कस्टमर इंफॉर्मेशन कंपनी है, उसी तरीके से हाईमार्क भी एक कस्टमर इंफॉर्मेशन कंपनी है। तो जितने लोग माइक्रो फाइनेंस चला रहे होंगे सेक्शन 8 का या सेक्शन 25 का जो कि पुराना है, तो उनको इक्विफैक्स और हाईमार्क दोनों में से कोई एक भी ले सकते हैं। मैं सजेस्ट करता हूं कि दोनों कंपनी के मेंबरशिप जरूर लीजिएगा, क्योंकि हो सकता है कि एक माइक्रो फाइनेंस जिसने लोन दिया वो इक्विफैक्स में उनका डेटा चढ़ाती है और दूसरा वाला माइक्रो फाइनेंस हाईमार्क में चढ़ाता है, तो एक ने एक का इंफॉर्मेशन दूसरे को नहीं दिखेगा, दूसरे का इसको नहीं दिखेगा। तो ध्यान रखिए कहीं से अपने स्लिप ना हो जाए, सही लोन देना है। तो माइक्रो फाइनेंस के मैंने आपको एक बार फिर से रिविजन करा दूं कि सबसे पहले ये NGO होता है, दूसरा ये छोटे लोन प्रोवाइड करता है और लिमिटेड अमाउंट के लिए प्रोवाइड करता है, ये कंपनी है। NGO का मतलब NPO है, बेसिकली कंपनी है जो कि ट्रांसपेरेंट है, जिसमें डायरेक्टर्स होते हैं। ये शेयर कैपिटल से भी लिमिटेड हो सकते हैं और मेंबर्स, नंबर ऑफ मेंबर्स से भी लिमिटेड हो सकते हैं, जिसकी कैपेसिटी को ROC से फीस पटाकर बढ़ाया या कमाया जा सकता है। एक और चीज मैंने बोला कि लाइसेंस लेना होता है, उसके बाद ही कंपनी रजिस्टर्ड होती है।